Hello everyone. देखिए स्टूडेंट, तो मान लेते हैं कि दोनों डबल बॉन्डेड, किसी भी डबल बॉन्ड पे टू डिफरेंट टाइप ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन अगर रहेगा, ठीक है एवरीवन, चीज़ों को समझिए। ये स्पेशली फॉर किसके लिए पढ़ा रहे हैं, एल्केन के लिए, कि किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर हम लोग अटैक कर रहे हैं, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन अगर प्रोडक्ट में कायरल कार्बन बन रहा है, तो इतना से ज़्यादा सिचुएशन पॉसिबल है। देखिए तो मेरे बात को समझे, मैंने क्या बोला, मेरा कंसर्न ये है कि यहाँ पे किसी भी एल्कीन पे अगर एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं, करेक्ट एवरीवन, बोला कीजिए भाई, हाँ ना, कम से कम कुछ तो बोलिए। यहाँ पे कुछ ऐड हुआ, राइट, तो इस दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन को लेकर अब आपका क्वेश्चन रहेगा, सर किसी भी एल्कीन में दो डबल बॉन्डेड कार्बन है और दोनों पे अगर दो कायरल कार्बन दोनों ओ भी कर हो रहा है, तो फिर वहाँ देखा जाएगा, तो इसके लिए जो काम कर रहे हैं उसका जस्ट डबल हो जाएगा फिर बात, राइट, या जो भी होगा कॉम्बिनेशन कितना बनेगा। बट अभी जो हम लोग कंसर्न दिखा रहे हैं कि कोई भी एल्कीन का दो डबल बॉन्डेड कार्बन पे मान लेते रिएक्शन किए और अगर दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन अगर कायरल कार्बन बन रहा है, तो सर एक ही बना, तो एक बनेगा, तो दो ही प्रोडक्ट हो सकता है अगर होना होगा तो, आर नहीं तो यस, राइट, अरे एक बना तो दो होगा वो देख लेंगे। बट हम लोग का मैक्सिमम आपसे जो आपका जो लिमिट है ना क्वेश्चन में, मैक्सिमम कहाँ तक वो जा सकते हैं, यहाँ तक जा सकते थे। तो पहले तो मैंने दो तीन एग्जाम्पल लिया, अब मेरे ऊपर कुछ ट्रस्ट कीजिए कि अगर कायरल सेंटर दो बनता है तो दो ही केस में मेजो बनता है, बाकी सब केस में डीएल पेयर बनता है, समझे। देखिए मैंने क्या लिखा, पढ़िए तो इसको, यहां से यहां तक एक साथ पढ़िए, सी सिन सिमिलर, राइट, ऐसे एक साथ ऐसे पढ़िए, वैसे मत पढ़िए, वैसे आपने कहा सी सिन सिमिलर, या सी सिन सिमिलर मतलब सबस्ट्रेट क्या है, सीस है, एडिशन कैसा हो रहा है, सीन, और कायरल सेंटर दो मिला है, दोनों सिमिलर है, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मेजो, मतलब नहीं था कि सर सेम टाइप का कैरेक्टर हो गया, सीस का मतलब ही सेम साइड ग्रुप, राइट, सीस और सीन में थोड़ा तो सिमिलरिटी है, 1% बोलेंगे ही नहीं सबसे बड़े, इसमें थोड़ा सिमिलरिटी नहीं है, सीस का मतलब होता है सेम साइड ग्रुप हो तो सीस बोलते हैं, सीन का मतलब सेम साइड से ऐड हो रहा हो, दोनों का सेंस अलग है पर थोड़ा तो नेचर सेम मिल रहा है, राइट, सीस सीन सिमिलर, प्रोडक्ट क्या होगा, मैं जो इसका एग्जांपल तो अभी जस्ट मैंने लिया था, राइट, चलिए उसी तरीके से ट्रांस सबस्ट्रेट क्या है, ट्रांस, एडिशन कैसा हो रहा है, एंटी, राइट, और अगर सिमिलर है तो मेजो मिलता है, बाकी सारे केस में मतलब टोटल सिचुएशन जो आप सोचते हैं 8 कॉम्बिनेशन बनता, 8 से ज्यादा हो सकता है, सीस, देखिए सीस
ट्रांस सीन एंटी और सिमिलर और डिसिमिलर जो भी रहता हो उसको मिलाकर अगर आप सोचते इन दोनों को मिलाकर काइरल सेंटर दो उसमें दो केस सिमिलर और डिसिमिलर देखिए तो आठ से ज्यादा कॉम्बिनेशन अगर बनेगा इस इन सारे केस को एक साथ में इसको इसको मिलाकर इसको 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 और इसको और इसको इसके साथ और इसके साथ मिलाकर आठ से एट से ज़्यादा कॉम्बिनेशन का पॉसिबिलिटी है जितना भी कॉम्बिनेशन का पॉसिबिलिटी मैंने सब लिख दिया राइट। तो भाई अगर मैं आपके जगह पर रहता तो मैं आठों नहीं रटता, वी आर वेरी वाइज पीपल, मैं दो रटता और बाकी में याद कर लेता डीएल पेयर, मैं ए दोनों को रटता राइट। क्या बेटर रहेगा छः रटना या दो रटना? दो रटना। कौन सा सिस सिन सिमिलर मेजो ट्रांस एंटी सिमिलर मेजो। अब बाकी में जो भी बोलते रहिएगा तो मैं बोल दूंगा डीएल पेयर, बाकी में सब में क्या है चाहे सिमिलर हो या डिसिमिलर हो, इज इट राइट? यस। लेकिन सर यहां जो आप ले रहे हैं वो ओनली सीन नहीं तो ओनली एंटी, ये बात आपको हो सकता है लेकिन सिचुएशन एक एग्जांपल लिए थे ना अभी जस्ट, कौन सा एग्जांपल? दिस वन ए वाला राइट, इसमें एच बी आर ले रहे थे राइट, एग्री ना? तो इसमें जो कायरल सेंटर, सब लोग बोलते रहिएगा ऑनलाइन के स्टूडेंट, जहां पे बेस्ट एफर्ट लगाना है वहां पे बेस्ट तरीके से रिप्लाई करना है। तो इस एग्जांपल में जो बना था स्ट्रक्चर वाइज पहले लिखिए, दोनों कायरल सेंटर डी सीन में रहे राइट, बट यहां पे सिर्फ सीन एडिशन का चांस था, एंटी का था या दोनों का था? तो इससे एक डीएल पेयर बनेगा, इससे एक डीएल पेयर बनेगा, सीन भी हो रहा था एंटी भी हो रहा था राइट। तो यहां पे सिर्फ ए वाला सोचेंगे, ए वाला सोचेंगे या दोनों मिलाकर प्रोडक्ट का आंसर देंगे? मैं एक्चुअली तोड़ तोड़ कर लिखा, लेकिन सर जहां पे सीस रहेगा और उस सीस में समथिंग लाइक दैट दिस, उस सीस में सीन और एंटी दोनों हो रहा है, इस कंडीशन को सर्टिफाई कर रहा है नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तो दोनों मिला दीजिए डीएल पेयर प्लस डीएल पेयर, बट ये डीएल पेयर और ये डीएल पेयर दोनों अलग टाइप का डीएल पेयर रहेगा इट राइट। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना था? चार था। इसका मतलब पूरा समझिए कि पूरा सारांश आपको लिख दिया। अब इतना बात को अगर मैंने यहाँ पे अगर समझाने में सक्षम रहा तो सर सब पे एग्जांपल लीजिए, पॉसिबल नहीं है, सब पे एग्जांपल का राइट टाइम भी नहीं है, यहाँ पे सारा रिएक्शन दिखा देंगे तो आपको अभी याद नहीं रहेगा, बट ये कोटेशन अगर अभी मैंने समझा दिया कुछ एग्जांपल वहाँ पे लेकर तीन एग्जांपल, बाकी कहीं जगह भी आएगा, जैसे मैंने अभी जनरलाइज कार्बोकैटायन के लिए सेवन स्टार देकर बात बोला राइट, कि अगर अल्काइलियम कार्बोकैटायन रहेगा चाहे एडिशन को हो या सब्स्टिट्यूशन को हो, अगर उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आ रहा है तो उस कार्बो कटायन के और वो कार्बो कटायन अगर कायरल बन रहा है तो पार्टिकुलर उस कार्बन पे जिस पे कटायन था वो दो प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा राइट। ऊपर से भी अटैक होगा और नीचे से भी अटैक होगा, समझे एवरीवन? अब फॉर एग्जांपल सर ए ट्रांस रहेगा, यहाँ देखिए ए ट्रांस रहेगा, इस ट्रांस पे सीन और एंटी दोनों एडिशन का पॉसिबिलिटी है और कायरल सेंटर डी सीन रहे तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना बोलिएगा? समथिंग लाइक दिस, इसको लिखिए, इसको मैं एग्जांपल फिफ्थ एंड सिक्स के लिए एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, पहले इसको लिख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है, हो गया ना? अब देखिए फिफ्थ एंड सिक्स मिलाकर एक क्वेश्चन सेट कर दें, सीस है या ट्रांस है? ट्रांस है राइट, यस। और यहां पे ऐड कर रहे हैं एचबीआर, एग्री? और मैंने इसको ओरिएंटेशन को इग्नोर कर चला हूँ, बोलिए क्यों? बोथ कार्बन आर सेम टाइप ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन करेक्ट, बट इस कार्बन पे H प्लस ऊपर से जाएगा नीचे से जाएगा या दोनों तरफ से जाएगा? इस पे H प्लस, पहले H प्लस जाएगा ना, पहले H प्लस जाएगा तो दोनों तरफ जाएगा, Br माइनस कटायन बनेगा ये,
बीआर वाइस भी दोनों तरफ से, तो नहीं लगता कि इसमें सीन और एंटी दोनों होने का चांस है? यहाँ पे सिर्फ सीन होगा, एंटी होगा या दोनों एडिशन होगा? दोनों एडिशन होगा। तो जैसे ही मैंने दोनों बोल दिया तो आपके दिमाग में ये दोनों चल जाएगा, एग्री? और यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर वाइज लिख देते हैं, स्ट्रक्चर वाइज अगर प्रोडक्ट लिखते हैं तो सी एस थ्री सी डी एच एन सी डी बी आर सी एस थ्री, कितना कायरल कार्बन? दो, और डी सिमिलर राइट। बट सीन के लिए कितना होगा और एंटी के लिए कितना होगा? देखिए तो सीन के लिए सर दो होगा, एंटी के लिए भी कितना होगा? दो। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट? सर ऑल प्रोडक्ट कायरल सेंटर को मिलाकर, दो कायरल सेंटर है, दोनों डिसिमिलर है, तो चार से ज़्यादा हो ही नहीं सकता था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ, समझ गए कितना बढ़िया क्वेश्चन सेट किया जाएगा? अरे लेवल कौन सा है? जेई मेन का ही है, ये नहीं कि बहुत बड़ा टॉप क्वेश्चन हो गया। हाँ, इसमें एडवांस बनाना रहेगा तो एफडी कर देंगे, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन या कुछ और इसमें अलग बात पूछेंगे मिला मिक्स करके। बट नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना है? एवरी वन दो बोले या चार बोले? दो इसके वजह से, यार दो इसके वजह से राइट। द नंबर ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू फोर, और इस नंबर ऑफ प्रोडक्ट को ये मुझे छः, इस टाइप का, इस टाइप नॉट दिस क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन का कंट्रीब्यूशन मेरे लाइफ में 6 मार्क्स का था, ठीक है? बड़ा सरप्राइजिंग, एक मतलब डर के मैं उठ, दोपहर में खुद सो रहा था दवा खाकर, उठ गया डर कर, देख क्या रहा हूँ कि मैं आईआईटी में पढ़ रहा हूँ और कोचिंग उसी टाइम से कर दिया, और फिर मैं पेपर ही देने नहीं गया। वो तो मैं प्रॉपर आईआईटी से डिग्री लेकर निकला हूँ भाई, जॉब लेकर, समझते हैं? मतलब ऐसा ऐसा कभी कभी पता नहीं क्या सपना आ जाता है। तो मैं एकदम रियल आज बताया, मतलब जिसके आप बहुत क्लोज हैं, कोचिंग में मेरे बहुत क्लोज है, आईआईटी भी मेरे बहुत क्लोज है, तो वहाँ से प्रॉपर मतलब, तो आईआईटी में जाना और वहाँ से डिग्री लेके निकलना, दोनों बहुत डिफिकल्ट बात है। जाना तो लगता है जितना कि जाना डिफिकल्ट है, वहाँ से पास आउट होकर निकलना भी उतना ही डिफिकल्ट है। वहाँ का शेड्यूल बहुत हेक्टिक होता है, और 4 साल जो वहाँ पर सर्वाइव कर लिया, जो वहाँ का टेंशन को टॉलरेट कर लिया, वो दुनिया कोई भी टेंशन ले सकता है। कैटलिस्ट रन करना तो आईआईटी का 4 साल के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा सा टेंशन है, जितना वहाँ पर प्रेशर रहता है, या तो कुछ प्रेशर ही नहीं है। आप जो अभी प्रेशर झेलते हैं ना कि सर स्कूल वाला इतना तंग करके रखता है, और सर बहुत डिफिकल्ट है, इतना देर तक क्लास चलता है, तो कभी कभी मुझे हंसी आता रहता है अंदर से कि आप लोग फर्स्ट ईयर में क्या कीजिएगा। बट फिर ये सोच कर आता है कि जिसका जो टाइम आता है उसके अकॉर्डिंग बच्चे ढल जाते हैं, राइट? तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया? 4। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो भाई दो अलग अलग टाइप का डीएल पेयर बना है ना, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद कितना? 2 कंपोनेंट बोलिएगा, प्रोडक्ट दो या कंपोनेंट दो? 2 कंपोनेंट। तो नहीं, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा, पूरा इसमें डेप्थ है, इसमें एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन नहीं हुआ, इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म भी हो गया। मतलब हम लोग को ये भी पता है कि H+ यहाँ जाए एक ही बात है, यहाँ पे मार्कोवनिकोफ, क्या इस एग्जांपल में मार्कोवनिकोफ रूल अप्लाई कर पाएंगे? क्या आपको इस बात का कन्फ्यूजन है कि H+ कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा? वो कहाँ पे कन्फ्यूजन होता है? जहाँ पे वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डबल बॉन्ड कार्बन, इज इट राइट? तो मैंने इस क्वेश्चन को, इस 8 में से मैंने किस दो को मिक्स करके क्वेश्चन सेट कर दिया, 5th और 6th, इज इट राइट? 5th और 6th मिलकर को मिलाकर एक क्वेश्चन सेट कर दिया, ठीक है ना एवरीवन? तो ऐसा क्वेश्चन, अब मतलब हम लोग का तरीका यही रहेगा, कोई भी डबल बॉन्डेड कार्बन का तरीका यही हो सकता है ना कि या तो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन कायरल सेंटर में, सॉरी प्रोडक्ट में सिमिलर कायरल सेंटर आ सकता है, तो डिसिमिलर। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही कायरल सेंटर, तो एक कायरल सेंटर रहेगा तो दूसरा आंसर कोई भी दे सकता है, वो तो बहुत आसान केस रहेगा, राइट? चलिए इसको हटाए, अब इसी को 4 प्रोडक्ट है तो फिशर प्रेजेंटेशन में नहीं ड्रॉ कर लेंगे 4 प्रोडक्ट को? कौन कौन सा रहेगा? RR, SS, RS, SR, is it right? अब लिखिए स्टीरियो एडिशन रिएक्शन का, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑलमोस्ट डन, मोटा मोटी एक रफ आइडिया, बाकी रिएक्शन में देखते रहेंगे। लिखिए स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ, अच्छा सर एक मिनट रुकिए, थोड़ा अल्काइन का भी देख लें स्टीरियो केमिस्ट्री, 2 मिनट लगेगा।
दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। बाकी सर बेंजीन का, तो बाकी इसके बाद जो भी मैकेनिज्म रहेगा वो उस रिएक्शन के साथ डील करूँगा। इस नेक्स्ट क्लास मेरा जो भी रहेगा एकदम पहला क्लास होगा ऑफिशियली रिएक्शन का अल्केन। अब मेरा पढ़ाने का सीक्वेंस ये रहेगा, और ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि सर हैलोजन डेरिवेटिव आने वाला है, सब मिक्स रहता है आपको पता नहीं चलेगा, बट मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ तो मेरा बात मानिए। अल्केन पढ़ाऊँगा पहले, फिर अल्किन पढ़ाऊँगा, फिर अल्काइन पढ़ाऊँगा, हैलोजन डेरिवेटिव पढ़ाऊँगा, करेक्ट। और हैलोजन डेरिवेटिव पढ़ाते ही साथ साथ अल्कोहल पढ़ा लूँगा और उसके साथ ही ईथर पढ़ा लूँगा, और तब पूरा बेंजीन एक साथ ख़त्म कर दूँगा, मतलब बेंजीन से रिलेटेड सारा रिएक्शन, मतलब उसके बाद दोबारा बेंजीन नहीं पढ़ाना है मुझे, ए टू जेड, और फिर बायो मॉलिक्यूल्स होगा। यह आपका सिलेबस का पार्ट है। अरे इसमें पढ़ाएंगे नहीं, सबका असाइनमेंट डिस्कशन, मतलब जे मेन लेवल तक का क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस करते हुए निकलूंगा, असाइनमेंट, क्लास असाइनमेंट, ठीक है एवरीवन। रिएक्शन टाइम नहीं लगेगा, मेन टाइम तैयारी करने में लगता है। ये कुछ ऐसा है ना कि चिकन बनाना है तो सारा टाइम प्रिपरेशन करने में लग जाता है, बनाने में तो फिर समझे कि उसका 1/4 टाइम। चलिए अल्काइन का आप लोग बताइए, तो अल्काइन का स्ट्रक्चर क्या होता है सर? लीनियर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का क्या स्ट्रक्चर रहेगा? लीनियर राइट? तो भाई लीनियर अगर स्ट्रक्चर रहेगा और यहाँ पे कोई दो ग्रुप ऐड कर रहे हैं, मान लेते हैं कोई दो ग्रुप ऐड कर दिए, कौन कौन सा, कोई भी दो ग्रुप, तो सर और एक ही पाई बॉन्ड, मतलब हम लोग कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं? सिर्फ मैं अल्काइन से अल्कीन तक का बात कर रहा हूँ, ठीक है एवरीवन। कहाँ से कहाँ तक? अल्काइन से अल्कीन तक का। तो सर या तो ये लिखिएगा, नहीं तो ये लिखिएगा, ओरिएंटेशन बाद में देख लेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि ये भी तो हो सकता था सर, ये तो लीनियर है तो इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, राइट? ये मैं कौन सा एडिशन दिखा रहा हूँ? सीन एडिशन, अगर सेम साइड से ऐड होता है दोनों, इफ बोथ आर एडेड फ्रॉम द सेम साइड, ओके एवरीवन। तो इफ बोथ आर एडेड फ्रॉम द सेम साइड, और फॉर मोमेंट मान लीजिए कि ये मेरा एक्टिव डबल बॉन्ड है, काइरल सेंटर तो है नहीं, क्या डबल बॉन्डेड कार्बन को काइरल सेंटर बोलते हैं? काइरल सेंटर होने के लिए sp3 कार्बन होना चाहिए, तो माल तब यहाँ पे क्या बोलेंगे सर? एक्टिव डबल बॉन्ड तो बोल सकते हैं। तो अगर ये एक्टिव डबल बॉन्ड रहेगा और सेम साइड से ऐड हो रहा है, तो ए प्रोडक्ट और ए प्रोडक्ट कॉन्फिगरेशनली डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? ये दोनों डिफरेंट हो ही नहीं सकता है, राइट? ए और ए कॉन्फिगरेशनली सेम रहेगा डिस्टेंस वाइज, इज इट राइट? अगर यहां पे L1 तो ये भी क्या रहेगा, उसमें तो डिस्टेंस देखते थे, तो L1 इक्वल टू व्हाट? L2। इसका मतलब ये दोनों आइडेंटिकल रहेगा, राइट? और अगर एंटी रहता तो क्या होता है? ऐसा भी हो सकता कि अपोजिट साइड से हो, तो मैक्सिमम तो यही हो सकता है ना? यस। बहुत करेंगे तो ये कर सकते थे, बट ए भी तो कॉन्फिगरेशनली सेम रहेगा, बोथ आर कॉन। इसका मतलब है कि सर यहां से, लेकिन अगर दोनों रहेगा तब कितना प्रोडक्ट का चांस है? दो। अगर दोनों रहेगा तो, अगर समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि सीन भी हो सकता है और एंटी एडिशन भी हो सकता है अल्काइन पे, तो प्रोडक्ट कितना बन सकता है? जो अल्किन बनेगा वो दो अल्किन रहेगा, और दोनों आपस में क्या रहेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर रेशियो ऑफ इच अदर है, और उसका नाम एक का सीस और दूसरे का ट्रांस, और सीस ट्रांस जहाँ पे नाम नहीं रहेगा तो वहाँ पे इजेड बोल देंगे, राइट? इसका एक डेमो देखा जाए,
यहाँ देखिए, आप लोग एक नाम सुने लिंडलार कैटलिस्ट, बहुत फेमस है, ठीक है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड से सिर्फ डबल बॉन्ड बनता है, एक ही पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। और लिंडलार कैटलिस्ट में प्लेडियम यूज करते हैं, प्लेडियम के सरफेस पे, मतलब यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि कोई मेटल है उसके सरफेस पे दो हाइड्रोजन है, और यहाँ पे सीन एडिशन होता है, बोथ हाइड्रोजन एटम एडेड फ्रॉम द सेम साइड। ओके एवरीवन, तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड से ऐड होगा या सेम साइड से? सर सेम साइड से ऐड होगा। तो जो ए पूछा जाएगा, यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो ट्रांस रहेगा या सिस रहेगा? तो सिस है या ट्रांस है? सिस है, समझे? तो जो आप सीस बता रहे हैं, यही तो स्टूडियो केमिस्ट्री कॉन्फिगरेशनल आइसोमिजम बता रहे हैं, स्टूडियो केमिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं कि जो बना वो ट्रांस बना या सीस बना या दोनों बना। सर यहाँ पर ट्रांस नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज इस केस में बोथ हाइड्रोजन डज नॉट एडेड फ्रॉम द अपोजिट साइड, चांस ही नहीं है। ऐसा मैकेनिज्म है कि सेम साइड से ही ऐड करना पड़ेगा, इज इट राइट? वो मैकेनिज्म अभी मैं डील नहीं किया हूँ, बट जहाँ पर मैकेनिज्म पढ़ाएंगे मुझे पता है कि इसमें सेम साइड से ही ऐड होता है, ठीक है। अब लिखिए स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एसएन वन, तो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एसएन वन तभी समझ में आएगा जब एसएन वन का फर्स्ट पार्ट आरडीएस, मतलब एसएन वन का मैकेनिज्म अगर आपके दिमाग में घूमेगा तो एसएन वन कितना स्टेप का रिएक्शन था, और रिवीजन कीजिए जाके एसएन वन में, तभी समझ में आएगा। एस टू स्टेप, और न्यूक्लियोफाइल का एंट्री किस स्टेप में होता है? सेकेंड स्टेप में। तो न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा वो फर्स्ट स्टेप में डिसाइड होगा या सेकेंड स्टेप? और न्यूक्लियो, यस, और न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक कर रहा था? सर कार्बोकैटायन पे, राइट? तो नहीं था कि आज कार्बोकैटायन के लिए पढ़ा चुके ये बात? कार्बोकैटायन के लिए तो भाई ये बात पढ़ा चुके ना, यहाँ देखिए। और ये तो इसमें न्यू बैच के भी स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं, ऑब्वियसली होंगे। ओके, तो आपको आइसोमेरिज्म में क्या इन्वर्सन और रिटेंशन का कॉन्सेप्ट दे चुके हैं? वालेन इन्वर्सन, यस। तो रिटेंशन और इन्वर्सन किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है? सर लिविंग ग्रुप के साइड्स, लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में। अगर लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में न्यूक्लियोफाइल अगर उसी तरफ से आकर अटैक किया, किस तरफ से? जिस तरफ से लिविंग ग्रुप है, तो उसको बोलते हैं रिएक्शन अकरिंग विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में अगर पीछे से अटैक किया तो उसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन अकरिंग विथ इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो किसी भी कार्बन पे रिएक्शन होने का दो ही तरीका हो सकता है, इन्वर्सन का नहीं तो रिटेंशन का, राइट? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, एग्री? बट हम लोग किसका मैकेनिज्म डील कर रहे हैं एवरीवन? एसएन वन का। यहाँ देखिए, पहले बातों को समझिए, इस पर क्वेश्चन बहुत सारा डिकेशन मिलेगा, ठीक है। अब वहाँ पे है नहीं कि सर आपने तो इसका बात किया ही नहीं था, मैं हर बात को बहुत तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। तो सबसे पहले एसएन वन का पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप, सब ये आप ही लोग को बोलना है, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, राइट? एग्री? और अभी जस्ट बताए थे ना कि अगर कार्बोकैटायन बनता है, चाहे वो एडिशन रिएक्शन में कार्बोकैटायन बना हो या सब्स्टिट्यूशन का, मुझे नहीं पता है, बट अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, या दोनों पे अटैक करने का पॉसिबिलिटी 50-50%? यस, दोनों पे अटैक करने का पॉसिबिलिटी 50-50%। अगर इस तरफ से अटैक किया तो बॉन्ड इस लोग को इस तरफ खींचकर बॉन्ड इधर बनाएगा, ऐ तीनों बॉन्ड पीछे चला जाएगा, और इस तरफ से अटैक किया देन इसको पुल करेगा, इन तीनों बॉन्ड को पीछे फेंक इस तरफ दे देगा, राइट? इसका मतलब यहाँ पर नहीं लगता कि सर इस टाइप का दो पॉसिबिलिटी रहेगा, एक पॉसिबिलिटी ए हो सकता है
और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, सेकेंड पॉसिबिलिटी हो सकता है दिस वन, एग्री। देखिए ध्यान से, इसका मतलब सर इस पे अगर एक कायरल कार्बन है, अगर एक कार्बन यहाँ पे कायरल कार्बन बन रहा है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, तो इस कार्बोकटायन पे अटैक करने का तरीका दो है, तो इसके रिस्पेक्ट में दो, इस कायरल कार्बन के अटैक करने का तरीका के वजह से दो प्रोडक्ट का चांस है, इज इट राइट। अगर SN1 किसी एक कायरल कार्बन पे हो रहा है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट चल रहा है, समझे। ये अभी मैं SN1 का बात कर रहा हूँ, इफ SN1 रिएक्शन एट ओनली वन कार्बन, समटाइम्स मॉलिक्यूल में दोनों कार्बन पे भी SN1 हो सकता है, बट यहाँ पे पहले समझ लीजिए, तो किसी एक पार्टिकुलर कार्बन पे SN1 हो रहा है और वो कार्बन प्रोडक्ट में कायरल कार्बन है, तो उस कार्बन के रेस्पेक्ट में कितना प्रोडक्ट का चांस हो सकता है, दो प्रोडक्ट का चांस हो सकता है, एग्री। और अगर इसको यहाँ से कंपेयर कीजिएगा तो एक इसका प्रोडक्ट नजर आएगा, दो ही चांस है ना भाई, या तो एक फ्रंट साइड से नहीं तो बैक साइड से, राइट। बट यहाँ पे जो अटैक रहेगा वो फ्रंट साइड रहेगा, बैक साइड रहेगा, या दोनों अटैक हो सकता है फ्रंट, यस, क्योंकि यहाँ पे तो लिविंग ग्रुप पहले चला गया, राइट। तो जिस पे अटैक कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे रिटेंशन का भी प्रोडक्ट बनेगा और इन्वर्सन का भी बनेगा, एग्री। इसे पहला ऑब्जेक्टिव पकड़ में आ गया, SN1 में किसी पार्टिकुलर कार्बन पे अगर रिएक्शन होता है तो लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में रिटेंशन का प्रोडक्ट बनता है, इन्वर्सन का, या दोनों होता है, दोनों होता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दोनों, कार्बोकटायन का बनना, राइट। कार्बोकटायन अगर नहीं बनता तो ये 50-50 का पॉसिबिलिटी नहीं दिखता, इज इट राइट। लिखिए क्लाइन कंक्लूजन, इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन, इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन एट पार्टिकुलर कार्बन बोथ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, बोथ प्रोडक्ट कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्सन, और एक मिनट, और लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक करेगा SN1 में, वो फर्स्ट स्टेप में स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड होता है या सेकेंड स्टेप, एक ऑब्जेक्टिव है एक्चुअली, SN1 में न्यूक्लियोफाइल किधर से आएगा और कैसे अटैक करेगा, दिस इज कॉल्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 कंट्रोल बाय फर्स्ट स्टेप या सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में तो लिविंग ग्रुप जा रहा है, राइट। लिखिए एक और पॉइंट, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 कंट्रोल बाय सेकेंड स्टेप, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 कंट्रोल बाय सेकेंड स्टेप, ओके। इसका मत फर्स्ट पॉइंट क्या था स्टूडेंट, बाकी लोग रिपीट कीजिए तो। हाँ, कार्बन बोथ पॉसिबिलिटी, यस बोथ पॉसिबिलिटी, प्रोडक्ट ऑफ रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्सन, राइट। और इसका बात यहाँ से मैंने एक्सप्लेन किया, डायग्राम इटसेल्फ ये कन्फर्म कर रहा कि दोनों क्यों हो रहा है, राइट। सेकेंड पॉइंट मैंने क्या लिखवाया कि SN1 का स्टीरियो केमिस्ट्री, मतलब प्रोडक्ट कौन कौन सा बनेगा और किस तरफ से अटैक होगा, उस सेकेंड स्टेप में डिसाइड होता है, एग्री ना। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया सबको, लेकिन सर अगर कायरल सेंटर नहीं बनेगा तो कायरल सेंटर नहीं बनेगा तो फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट ही नहीं ज़्यादा होगा, राइट। तब वहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री का सेंस मीनिंगलेस रहेगा, एग्री ना। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक मिनट लेट मी फिनिश, जो भी डाउट है वो आप लोग अपने पास कलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, एग्री। ये देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने, OH माइनस, और मैं जानबूझकर बोल दिया कि SN1 ही करवाना है, या वाटर,
और मैंने क्या बोल दिया SN1 होना है। ओके एवरीवन, आप पहचाने कि यहां पर लिविंग ग्रुप कौन रहेगा? अब तो इतना तो आइडिया हो गया कि लिविंग ग्रुप कौन रहेगा इतना पढ़ाने के बाद। Cl, तो Cl पहले जाके यस, तो Cl के रेस्पेक्ट और आने वाला कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है, वाटर, राइट। तो इस Cl के रेस्पेक्ट में वाटर Cl की तरफ से आएगा या इसके पीछे से आएगा या दोनों तरफ से आएगा, बोलिए फास्ट। दोनों तरफ से आएगा, एग्री। तो इसको कौन सा प्रोडक्ट बोलिएगा, इन्वर्सन का या रिटेंशन का? रिटेंशन का, राइट। और पीछे से आने का मतलब डी के तरफ से आना, सी एच के साथ के तरफ से आना, या एच के तरफ से आना, या तीनों से किसी के तरफ से भी आना। अगर रिप्लाई नहीं करते इसका मतलब आपने क्लास नहीं किया है। बताया था ना लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में, या इधर इस तरफ को भी बैक साइड बोलते हैं, इस तरफ से भी बैक साइड, इस तरफ से भी बैक साइड, राइट। तो सर आना था वाटर को, आप लिख रहे हैं OH, तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि OH क्यों लिख रहे हैं? यस। तो ये किसका प्रोडक्ट है, इन्वर्सन का। अब हुआ कैसे होगा, तो सर हुआ ऐसे होगा कि पहले तो लिविंग ग्रुप चला गया, राइट, और लिविंग ग्रुप जाने की वजह से बन गया होगा जस्ट लाइक दिस, एग्री। डी सी एच थ्री एच, ये वैकेंट और वाइटल रहा होगा, करेक्ट। वाटर का अटैक यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, करेक्ट ना। तो इस तरीके से यहाँ पे दो प्रोडक्ट का पॉसिबिलिटी है, दिखा दीजिए। आइडियली दोनों पे अटैक करने का चांस कितना है, यस, आइडियली पॉसिबिलिटी ऑफ अटैक, कौन सा अटैक, फ्रंट साइड एंड बैक साइड इन SN1 आर इक्वल, ये पहला पॉइंट हो गया। बट इन रियलिटी इन एनी केस प्रोडक्ट ऑफ रिटेंशन, ये आपको बहुत काम में आएगा, चल के, प्रोडक्ट ऑफ रिटेंशन नेवर ग्रेटर देन प्रोडक्ट ऑफ इन्वर्सन। मैंने क्या बोला, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। आइडियली दोनों तरफ फ्रंट साइड और बैक साइड का अटैक इक्वल था, इज इट राइट, आइडियली। बट रियलिटी में इट इज फाउंड दैट इन रियलिटी इन SN1 प्रोडक्ट ऑफ रिटेंशन कभी भी प्रोडक्ट ऑफ इन्वर्सन से ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक अभी मैं फिनिश नहीं किया हूँ, कंप्लीट नहीं किया हूँ, यहाँ तक लिख पाए, कॉमा, इन जनरल प्रोडक्ट ऑफ रिटेंशन लेस देन प्रोडक्ट ऑफ इन्वर्सन, इन जनरल प्रोडक्ट ऑफ रिटेंशन लेस देन प्रोडक्ट ऑफ इन्वर्सन, मैक्सिमम इट इज इक्वल टू इन्वर्सन, ठीक है। ऐसा सेटमेंट के बाद नीचे लिखिएगा रीजन, मतलब एक्सप्लेन ब्रीफली जो मैंने बात बोला,
इस पर आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, उस ऑब्जेक्टिव को सर ने बड़ा थ्योरी टाइप से एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पे बातों को समझिएगा तो उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, नहीं समझिएगा तो आंसर नहीं आपसे मिल पाएगा। ठीक है, हो गया ना? इसका मतलब यहाँ देखिए, आज के बाद किसी भी केस में रिटेंशन का प्रोडक्ट इन्वर्सन से नहीं ज़्यादा बनाएंगे, बट इन्वर्सन का प्रोडक्ट रिटेंशन से ज़्यादा हो सकता है, राइट? जहाँ पर रिटेंशन इन्वर्सन मतलब फ्रंट साइड बैक साइड दोनों रहेगा, तो बैक साइड का प्रोडक्ट ऑलवेज ज़्यादा रहता है रियलिटी में। ठीक है एवरीवन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ऐसा क्यों? ऐसा का वजह यह है कि अगर इस कार्बन पे लिविंग ग्रुप जा रहा है, राइट, और एसिड मॉडल में लिविंग ग्रुप पहले चला जाता है, और लिविंग ग्रुप को जाते ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, राइट? बातों को समझिए, करेक्ट ना? ये कुछ ऐसा ही है कि कोई घर है, और जनरली बड़ा बड़ा घर देखिएगा हॉलीवुड मूवी में, तो एक फ्रंट गेट रहता है, एक बैक गेट रहता है, राइट, पीछे लॉन रहता है। अब दो फ्रेंड आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि पेरेंट्स निकलेंगे तो मैं आऊँगा, गेम खेलना है या कुछ प्लेइंग करना है या कुछ मस्ती करना है, समथिंग लाइक दैट। पेरेंट्स इस तरफ से गए हैं, राइट, पेरेंट्स इस तरफ से गए हैं, तो बच्चे का अब दो दरवाजा, इधर भी इधर भी। अगर उसको पता चल गया कि नहीं पेरेंट्स जा चुके हैं 200% श्योर है, तो उसको ये आने का चांस इधर से भी रहेगा, इधर से भी रहेगा। बट जो एक कीड है उसको आने का चांस इस तरफ से ज़्यादा रहेगा, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू इस तरफ। इससे 2% जिस तरह से पेरेंट्स जा रहे हैं रिस्क है, कहीं देख लेंगे डांट के भगा देंगे, एग्री। या यहाँ पे मैंगो का ट्री लगा हुआ, यहाँ से एक बगान है, ट्री तोड़ना है, दो गेट है, ऐसा मान लीजिए, गांव का याद आ गया, दो गेट है, इधर से मालिक जा रहा है तो पीछे से हम लोग ऐसे छलांग लगाएंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पे बिल्कुल देखेंगे कहाँ तक किस एंगल पे लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ से गिरेगा लेकर भाग जाएंगे, राइट। और कभी कभी तक अगर वो मुझसे भी महान है तो 10 किलोमीटर तक भागाते रहेगा, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक तो भागे हैं बचपन में, 2-4 किलोमीटर और भगा देगा, और उसके बाद बैठ के सारे फ्रेंड खाएंगे तो उसका टेस्ट कुछ और रहेगा, खरीद के खाएंगे तो उसका टेस्ट उतना नहीं आएगा। गांव में रहते तो इस फीलिंग को आप लोग समझ पाते हैं। एनीवे, तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा ही है। तो देखिए बिल्कुल इस एग्जांपल पे सेट कर गया कि लिविंग ग्रुप है और अभी जस्ट ये जा रहा है इस तरफ से, राइट। अब इसका ये इस तरफ से भी आ सकता था और इस तरफ से भी आ सकता था, बट नहीं था कि इस तरफ से आने में इसको इसका स्टैटिक रिपल्सन और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन दोनों को फेस करना पड़ेगा, एग्री ना? अगर लिविंग ग्रुप के तरफ से ही आएगा और लिविंग या इस तरफ से आएगा तो उसको फ्रंट साइड बोलेंगे, बातों को समझिए, राइट। इस तरफ से आएगा तो क्या बोलेंगे, बैक साइड। और अगर लिविंग ग्रुप बहुत लिविंग ग्रुप, अगर इसका मतलब है कि लिविंग ग्रुप के तरफ से आने का चांस थोड़ा कम रह सकता है, वजह यह है कि लिविंग ग्रुप जिस तरफ से जा रहा है उस तरफ से न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को भी फेस करना पड़ेगा और स्टेरिक रिपल्सन को भी, बट इस तरफ से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी फेस नहीं करना पड़ेगा और स्टेरिक रिपल्सन भी फेस नहीं करना पड़ेगा, तो किस तरफ से ज़्यादा चांस है, लेस अटैक, एग्री, और मोर अटैक। अब बैक साइड अटैक को क्या बोलते हैं, इन्वर्सन, और फ्रंट साइड को क्या बोलते हैं, रिटेंशन। दिस इज अ मेन वजह कि इन्वर्सन का प्रोडक्ट एस एन वन में ऑलवेज रिटेंशन से ज्यादा जनरली देखा गया है, इज इट राइट? अब लेकिन इसमें उस सर इस सेंटेंस को वहां पर लिखा क्या रहेगा, इस सेंटेंस को वहां पर लिखा रहेगा ऐसे ऑप्शन में, इन केस ऑफ SN1, ये आपको जब BSc वगैरह में पढ़िएगा ना, जब मान लेते आईजर में कोई पहुंच गया बेसिक साइंस लेकर, तब MSc या BSc जब पढ़ाया जाएगा तब जाकर वहाँ पे इतना डेप्थ में मैकेनिज्म दिखाया जाएगा, बट बिकॉज हम लोग इंडिया लेवल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के सोच रहे हैं तो कहीं कहीं से लोग कुछ पॉइंट उठाकर दे देते हैं, और DK से पक्का रहेगा ही रहेगा। तो एक्चुअल में मान लेते हैं कि कार्बोकैटायन और लिविंग ग्रुप दोनों सेपरेट हो गया, बट एक दूसरे से बहुत दूर नहीं जा पाया, तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं टाइट आयन पेयर। कौन सा आयन पेयर?
मतलब सेपरेट तो हो गया बट दूर नहीं जा पाया, राइट, आस पास ही है, अगर दूर नहीं जा पाया तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक फिर फ्रंट साइड से कम होने लगता है और बैक साइड से ज्यादा होने लगता है, इज इट राइट? लेकिन तो नहीं सर, मुझे क्या करना क्या था ना, अगर आप उसके बाद आपको टास्क दे दिया गया है कि इतना कुछ पढ़ा दिया गया, अब आपको बोला गया है कि मुझे रिटेंशन और इन्वर्सन का प्रोडक्ट को इक्वल करना है, तो रिटेंशन को बढ़ाना कोशिश कीजिएगा और सिचुएशन को 50-50 करने का, राइट? कब 50-50 कर सकते हैं सर? 50-50 करने का चांस तो तब बन सकता है कि जैसे ये सेपरेट हुआ, जैसे ही सेपरेट हुआ था तो आसपास ही था, राइट? किसी तरीके से सर इसको अलग कर दें। अलग करने का मतलब इसको चारों तरफ से सॉल्व, इसका मैक्सिमम सॉल्वेशन करते हैं, राइट? पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, इतना इन दोनों को सॉल्वेट कर दें कि इसका अट्रैक्शन इसके साथ खत्म हो जाए, मतलब तुम कौन और मैं कौन, एग्री? इसका मतलब है कि अगर इसको 100 मतलब मैक्सिमम सॉल्वेशन इन केस ऑफ SN1 बिकॉज इट इज हाईली पोलर इंटरमीडिएट, तो अगर इसको मैक्सिमम सॉल्वेशन कर दें, सॉल्वेशन को इंक्रीज कर दें, हाइड्रेशन को इंक्रीज कर दें, तो अगर ए भी 100% सॉल्वेटेड और ए भी 100% सॉल्वेटेड, मतलब ये फिर अब टाइट आयन पेयर नहीं रहा, आसपास नहीं रहा, इसको क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ सॉल्वेंट है, इसके चारों तरफ सॉल्वेंट, मतलब एक कुछ ऐसा है कि कोई किसी का नया नया शादी हुआ है, कहीं पे फंक्शन में गया, कुछ ऐसा रस्म रिवाज है कि दूल्हे को अलग और दुल्हन को अलग, और चारों तरफ उसको घेर लिया और दो दिन तक मिलने नहीं दे रहा है, मतलब कोई इंट्रैक्शन नहीं, समथिंग लाइक दैट। तो आर प्लस और एल माइनस, राइट, इसको यहाँ से सेपरेट कर दिया और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इसके चारों तरफ और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ, और इसके बीच में वेरी वेरी लेस इंट्रैक्शन अब रह गया। तो जब इसका इसका कोई डर है ही नहीं, तब इस केस में अटैक का चांस क्या रहेगा, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा, राइट? इसका मतलब यहाँ से मुझे आंसर मिल गया कि रिटेंशन का प्रोडक्ट कम होता है इन्वर्सन के वजह, इन्वर्सन के रेस्पेक्ट में, ड्यू टू विच आयन पेयर, टाइट आयन पेयर, राइट? आसपास आयन पेयर है, उसी को यहां पे टाइट आयन पेयर बोला गया। कौन सा आयन पेयर बोलिए? इसी को डिकेशन में एक ऑब्जेक्टिव में इंटीमेट आयन पेयर नाम दिया गया है, वो नहीं दिए होंगे बट मोशन बॉयड सॉल्वेंट्स में रहा होगा, ठीक है? तो अब इस क्वेश्चन का ब्रीफली बहुत तरीके से आपको आंसर मिल गया। तो रिटेंशन का प्रोडक्ट को बढ़ाना है इन्वर्सन के रेस्पेक्ट में, तो क्या करना चाहिए, जो सॉल्वेंट लिए हुए हैं उसका पोलर सॉल्वेंट का कैरेक्टर कम करना है या ज़्यादा कर देना है, सॉल्वेशन का प्रोसेस को बढ़ा देंगे, इज इट राइट? सब लोग से पूछ रहे हैं स्टूडेंट, मैकेनिज्म समझ में आ गया? ओके, इसको हटाएं। अब SN2 को माइंड में लाइए, दिमाग तोड़ाइए, तो हो गया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट SN2 में न्यूक्लियोफाइल का आना और लिविंग ग्रुप का जाना साथ साथ होता है, राइट? यहाँ देखिए, तो SN2 में रिटेंशन का चांस होगा कभी अकॉर्डिंग टू गिवन मैकेनिज्म? इज इट पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ रिटेंशन? भाई बिल्कुल नहीं होगा, लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑलवेज बैक साइड से अटैक होगा, राइट? तो SN2 में ओनली इन्वर्सन होगा, एग्री एवरीवन? जिस कार्बन पे भी रिएक्शन होगा, जिस कार्बन पे भी रिएक्शन होगा उस पर सिर्फ इन्वर्सन होगा। SN1 में जिस कार्बन पे रिएक्शन होगा उस पर दोनों होगा, रिटेंशन भी होगा और इन्वर्सन भी होगा, वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करेगा, एग्री? बट SN2 में सिर्फ क्या, ओनली इन्वर्सन। SN1 में क्या, बोथ इन्वर्सन भी और रिटेंशन भी। कुछ ऐसा भी मैं आगे चल के पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ रिटेंशन हो सकता है, राइट? यहां देखिए, तो अच्छा यहां देख लिए ना,
तो सिचुएशन नहीं लगता कि जस्ट उल्टा हो जाएगा? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि SN2 में इस पे जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, और अगर ये कायरल कार्बन है तो रिएक्शन करने का तरीका से इस कायरल कार्बन की वजह से कितना प्रोडक्ट का चांस है? सर एक ही प्रोडक्ट का चांस है, फ्रंट साइड का अटैक तो होगा ही नहीं, राइट? अब कुछ स्टूडेंट दिमाग लगाएंगे, ओके सर ने तो फिशर पोजेंशन बैक साइड 3 बताया था, दिमाग लगाएंगे ना कि बैक साइड कितना 3 था, और तीनों बैक साइड से 3 प्रोडक्ट बनता था या कॉन्फिगरेशनली एक ही प्रोडक्ट बनता था? फ्राइडे को ही तो पढ़ाया उन्हीं बैच, फ्राइडे को ही पढ़ाए थे ना ये सिचुएशन। यस, लगता है कि 3 प्रोडक्ट बनेगा बट सब आइडेंटिकल होता है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल स्टेटमेंट, इज इट राइट? तो SN1 में कौन क्या होगा, व्हाट द कंक्लूजन सर? SN1 में दोनों, कौन कौन सा दोनों? रिटेंशन भी और इन्वर्सन भी, राइट? और SN2 में बोलिए ओनली इन्वर्सन, एग्री? चलिए अब एक ऑब्जेक्टिव बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा गया है, और उस टाइप का एग्जाम्पल मैं लूंगा कहीं ना कहीं, ठीक है? क्वेश्चन ए आपको अगर दे दिया जाए कि देखिए स्टूडेंट, ए कार्बन है, ये प्रोडक्ट में कायरल कार्बन बनने वाला है, राइट? यहाँ देखिए प्रोडक्ट में क्या बनने वाला है, कायरल कार्बन, और इस कार्बन पे 2 कॉन्जिक्यूटिव SN2 होने वाला है। क्या होने वाला है? एक बार रिएक्शन हुआ SN2, दूसरा बार भी क्या हुआ SN2, तो जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा वो इसके रेस्पेक्ट में क्या नजर आएगा? जैसे न्यूक्लियोफाइल 1 ये इस पे क्या किया, यस प्रोडक्ट ऑफ रिटेंशन नजर आएगा, वजह यहां देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, 2 कॉन्जिक्यूटिव इन्वर्सन बिकम्स ओनली प्योर रिटेंशन, इज इट राइट? ऐसा बड़ा कंसेप्चुअल है स्टूडेंट, आप जिसको मजाक मजाक में सीख रहे हैं ना उतना भी आसान नहीं है, एग्री? एक इन्वर्सन हुआ, राइट? इन्वर्सन से चीज़ें उल्टा हो गया, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या प्रोडक्ट, इन्वर्सन का प्रोडक्ट। अब फिर से न्यूक्लियोफाइल 2 आया, हो सकता कि ऐसा कुछ हो और SN2 होना हो, तो और इसी को भगाना हो, किसको? इसी को नहीं, किसी को भी। मान लेते हैं इसमें से चारों में से, अब चार है ना, इन चारों में से किसी को भी भगाना हो, इसी को नहीं किसी को भी, बट इस कार्बन पे 2 बार SN2 होना हो, हम लोग इसको बोल रहे हैं, बट इसमें इन चारों में से मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, किसी को भी, बट इस कार्बन पे कितना बार SN2? 2 बार SN2। तो नहीं था क्या अभी फिर से वापस वही नजर आएगा? अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, जहाँ से चले थे तो नहीं था कि सर बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है, राइट? कॉन्फिगरेशनली इसका मतलब किसी पार्टिकुलर कार्बन पे 2 कॉन्जिक्यूटिव SN2 हो रहा है, तो इनिशियल के रेस्पेक्ट में जो फाइनल प्रोडक्ट मिला आफ्टर 2 SN2 वो क्या रहेगा इनिशियल के रेस्पेक्ट में? ओनली रिटेंशन, रिटेंशन नहीं, ओनली रिटेंशन, राइट? ये बहुत बड़ा बात है, रिटेंशन, इस पर एग्जाम्पल लेंगे, प्रॉब्लम करवाएंगे, ओनली रिटेंशन। तो क्या यहाँ से एक लाइन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते, क्या सीखे यहां से? बोलिए 2 कॉन्जिक्यूटिव SN2 ऑन द सेम कार्बन, राइट? गिव्स व्हाट? ओनली प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? रिटेंशन, समझ गए? विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल, राइट? ओके, तो यहां देखिए मैंने जितना कुछ सिखाया अभी SN1 SN2 के लिए, राइट, उन सब पे कुछ एग्जांपल का प्रैक्टिस करते हैं,
क्योंकि ये हैलोजन डेरिवेटिव का बहुत मार्केबल पॉइंट है, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। इतना बातें आप लोग को समझ में आ गया, स्टडी कमिटी ऑफ फैशन वन, इसको हटाया जाए। देखिए पहला केस में क्या माना कि सबस्ट्रेट में एक कायरल सेंटर है, ठीक है एवरीवन, और रिएक्शन उसी कायरल सेंटर पे हो रहा है, तो उसका दो केस, या तो SN1, मतलब मैं एलिफैटिक सिस्टम के लिए बात कर रहा हूँ, बहुत सारा केस हो सकता है बट SNTH तो नहीं हो सकता है, SNTH में SV2 रहता है, राइट। तो या तो SN1 हो सकता, नहीं तो SN2 हो सकता है, SN1 का देख लेते हैं। और सबस्ट्रेट में कितना कायरल सेंटर है, जल्दी से बोलिए, एक ही ना, थोड़ा सा आपको और कॉन्फिडेंस देने के लिए Ag+ का एडिशन कर देते हैं। पता है आपको एडिशन ऑफ Ag+ इंक्रीज द चांस ऑफ SN1। इन सब पॉइंट पे सबको एक साथ हाँ बोलना चाहिए था, टीचर का कॉन्फिडेंस तब बढ़ेगा। इसको देखते ही ओके SN1 में कार्बोनेट बनेगा, चांस ज्यादा हो जाएगा, सब लोग एक साथ चुप हो जाते हैं, या तो बातों को समझते नहीं है या नहीं तो एफर्ट नहीं लगाना चाहते हैं। मैंने क्यों बोला कि एडिशन ऑफ Ag+ इंक्रीज द चांस ऑफ SN1, ये भाई आपका पहला ही चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th क्लास का, हैलोजन डेरिवेटिव। दो न्यू स्टूडेंट जो कैटलिस्ट ज्वाइन किए थे क्लास 12th में, तो मेरा ऑफिशियली मुझे पढ़ाना चाहिए था हैलोजन डेरिवेटिव से, यहां से विदाउट GOC। जहां तक सिलेबस की बात करिए, सिलेबस कहां तक गया है, तो उनके लिए मुझे कहां से स्टार्ट करना चाहिए था, हैलोजन डेरिवेटिव है ना क्लास 12 का पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑफिशियली मुझे मेरा जो ड्यूटी बनता था यहां से बनता था, बट यहां से अगर मैं पढ़ाना स्टार्ट करता तो आप लोग के ऊपर से चला जाता। दिस इज अ बिग मजबूरी कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टीचर का, कि मुझे हर साल क्लास 12th न्यू बच्चों को एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाना पड़ता है केमिस्ट्री, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ देखिए, तो एडिशन ऑफ Ag+, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, तो यहाँ पे दोनों का चांस है ना, और एक ही कायरल सेंटर है, तो इन्वर्सन का भी प्रोडक्ट बनेगा और रिटेंशन का भी, राइट। समटाइम्स मैं जो SN1 लिख रहा हूँ नहीं भी लिख सकता हूँ, सिर्फ Ag+ और वाटर, ए वीक न्यूक्लियोफाइल है, राइट, और इसका प्लस, इसका मतलब है कि कार्बोकैटायन, मतलब कार्बोकैटायन बनने का होता है SN1 की तरफ जाएगा, तो OH यहां पे रहेगा, D रहेगा, CH3 रहेगा, H रहेगा। बंदिता सिंह ज्वाइन किए हुए हैं, बंदिता सिंह ज्वाइन किए हुए हैं, रिनिशा बर्मन, रिडिशा बर्मन ज्वाइन किए हुए हैं, दूत लोकेश, ये दो तीन स्कूल के बच्चों का बड़ा खराब हैबिट हो गया है, पेरेंट्स को बताते भी नहीं होंगे, क्लास बंक कर देते हैं। क्लास कैसे बंक कर देते हैं भाई, आप पीछे से मुझे दौड़ दौड़ के पकड़ना स्टार्ट करेंगे, कभी पकड़ में आऊंगा, सवाल ही नहीं है।
आपको क्या लग रहा है कि ये बोर्ड का लेवल का ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं एंट्रेंस लेवल के लिए? और आप बोर्ड यहाँ पे, मैं यहाँ से स्टार्ट किया हूँ, बोर्ड यहाँ पे यार, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, बोर्ड आपसे बिल्कुल बच्चे टाइप क्वेश्चन लगेगा। बट मेरे साथ चलिएगा तब तो। जितना कंसर्न टर्म वन के लिए आप हैं उससे ज़्यादा कंसर्न मैं भी हूँ, हम लोग का भी कैरियर है। बट कब ट्रस्ट करके साथ में तो चला कीजिए। यही एक डिफरेंस है ऑफलाइन ऑनलाइन में, सच बता रहा हूँ आप। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है उसमें ऑफलाइन में बच्चे चार क्लास अगर मिस्टेक छोड़ देता था तो पाँचवा क्लास में मैं उनको बोलता था कि आप बाहर रहिए, क्योंकि पाँचवा क्लास में उनको समझ में नहीं आएगा, तो बेटर है कि पहले मेकअप कर लीजिए। राइट, टीचर अगर डर कर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट से तो क्या सिखाएगा ऑर्गेनिक? आपको नहीं लगता है कि अगर मेरा एक क्लास पूरा मिस हो जाए और मैं जब रिएक्शन पढ़ाना स्टार्ट करूंगा और जहां भी SN1 आएगा तो कुछ पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कैसे डिसाइड कर रहा हूं? चलिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट, कंडीशन क्या है? कायरल सेंटर एक है और उसी पर रिएक्शन हो रहा है और SN1 हो रहा है, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट? एक किसका प्रोडक्ट? रिटेंशन का। एक किसका प्रोडक्ट? इन्वर्सन का। नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना? अब दोनों में रिलेशन क्या? यहां तक IIT एडवांस में जाएगा और जो बोल रहा हूं उससे कम ही है लेवल। बोथ आर व्हाट? यस, बोथ आर इनेंसियोमर। और इसी में फिर बोल देंगे फ्रैक्शनल डिस्लेशन कर दिया, देन हाउ मेनी कंपोनेंट, तब वन दिखेगा। राइट, यस, यहां तक हो गया। अब इसी में अगर ए रहता DCH3ClH, एक्वस KOH, बताए थे ना एक्वस KOH लेते हैं तो OH माइनस आता है, SN2 देता है, और ऐसे मैं लिख भी दिया तो इन्वर्सन होगा, ओनली इन्वर्सन ना, तो क्या इसमें दो प्रोडक्ट का चांस है या जब भी होगा बैक साइड का प्रोडक्ट बनेगा? हाउ मेनी प्रोडक्ट? ओनली वन, राइट, वन प्रोडक्ट। और किसका प्रोडक्ट रहेगा? इन्वर्सन का प्रोडक्ट रहेगा। राइट, लिख लीजिए। इसको हटाए, इसका मतलब कायरल सेंटर वन रहेगा तो उस पर SN1 होगा या SN2 होगा, तो नंबर प्रोडक्ट तो बता पाएंगे, ये सारा कहानी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब कुछ एग्जामिनर को अगर और भी डेप्थ में कॉन्सेप्ट चेक करना रहेगा, देखिए तो मैंने सही लिखा, सर ये इम्पॉसिबल बात लिखा, SN1 में रिटेंशन का प्रोडक्ट कभी भी इन्वर्सन से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अगर उनको उनको एकदम डेप्थ में चेक करना रहेगा कि नहीं मैकेनिज्म बढ़िया से पढ़ के आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वो 70% और 30% अब पूछ लेंगे ये पॉसिबल है या नहीं है और ऑप्शन सेट कर देंगे, मे बी पॉसिबल, मे नॉट बी पॉसिबल, इन सम केसेस पॉसिबल, नेवर पॉसिबल। और जो नहीं पढ़ के गया है वो चारों ऑप्शन में देखेगा कौन अच्छा लग रहा है, एक ऐसा क्या रहेगा इसमें, नेवर पॉसिबल। राइट, ए पॉसिबल है या नहीं है, उल्टा वाला, यस ए पॉसिबल है, तो इस पॉसिबिलिटी में बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, परसेंटेज ऑफ रेसेमाइजेशन, एग्री आ गया ना, यस 60%, कितना परसेंट,
और जो परसेंटेज ऑफ फ्रेशमाइसन है वही तो परसेंटेज ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर है, इसे पूछेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट का कंपोजिशन जितना भी यील्ड बना प्रोडक्ट बना और ऐसे इंफॉर्मेशन देकर 30 या 70 का तब पूछेंगे परसेंटेज ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट। तो परसेंटेज ऑफ फ्रेशमाइसन का ही दूसरा नाम क्या है परसेंट या 60%। तो एक्टिव कितना रहेगा 40%। वो कोई किसका वाला एक्टिव किसके वजह से एक्टिव रहेगा इन्वर्सल वाले प्रोडक्ट की वजह से राइट। चलिए पढ़ा कीजिए सब लोग भाई मेहनत कीजिए। सपना देख रहे हैं माउंट एवरेस्ट को छूने का मेहनत कर रहे हैं कौन सा छोटा सा जो हिल है स्टेशन वहाँ पर चढ़ने का ड्रीम है आईआईटी करने का राइट। एकदम सोच रहे हैं बेस्ट से बेस्ट चीज़ मिले बेस्ट से बेस्ट के लिए बहुत कष्ट करना पड़ता है। आप लोग कर रहे हो बट एक होता है रूटीन वर्क्स वो लोग पूरा इंडिया पूरा वर्ल्ड कर रहा है ऑनलाइन क्लास। एक तो अपना प्लानिंग के साथ कर रहे हैं और प्लानिंग आप सबके साथ शेयर करके थोड़े कीजिएगा सब ग्रुप बना के थोड़ा आईटी में जाते हैं जाता कोई कुछ फिल्टर लोग होकर ही। तो यहाँ पे ही सेपरेट हो जाता है पहला ही माइंडसेट में सेपरेट में देख लेता हूँ जैसे ही जिसने फोकस करना स्टार्ट किया ठीक है बोर्ड इज गुड बट जिसको बोर्ड से ही डर लग रहा है तो फिर आईआईटी का कैलिबर ही वहाँ पे मुझे दिखाई नहीं पड़ता है जो बोर्ड के लेवल से ही डर रहा है बना रहा है एच सी वर्मा और उसको कॉन्फिडेंस नहीं नहीं कि बोर्ड का क्वेश्चन उसे बनेगा नहीं बनेगा निकल तो वहाँ पे ही ख़त्म हो गया कहानी। मैं रोड का क्वेश्चन बनाऊंगा और मुझे बोर्ड का क्वेश्चन नहीं बनेगा या चार तरीके से बना के बैठेंगे या बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ जनरल एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ आप लोग इस बात से एग्री नहीं है। दिमाग आपको वहाँ तक काम करता है अब पैरेलल में दो रेसिशन दिया हुआ उसका इक्विवेलेंट नहीं निकल रहा है इक्विवेलेंट का मतलब क्या है वो भी एक नहीं समझ में आया इसका मतलब आप वहाँ तक नहीं गए हैं सिर्फ कॉपी पेस्ट किए हैं बैठ के क्वेश्चन पर सोचे नहीं हैं। चलिए काइरल सेंटर टू राइट कौन सा केस लिया और उसमें फिर मेंशन कीजिए नोट करके बट रिएक्शन अकरिंग एट ओनली वन काइरल सेंटर मतलब सबस्ट्रेट में काइरल सेंटर दो है बट रिएक्शन सिर्फ कितना काइरल सेंटर पे हो रहा है एक पे ही हो रहा है राइट दूसरे पर नहीं हो रहा है। तो दूसरे पर नहीं हो रहा है इसका मतलब आपको लिखवाए थे एक स्टेटमेंट कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन किसी कार्बन का डायरेक्टली चार बॉन्ड जो अटैच रहता है अगर ब्रेक नहीं करता तो उसका कॉन्फिगरेशन प्रोडक्ट में रिटेन रहेगा इट राइट। तो व्हाट द केस काइरल सेंटर दो बट रिएक्शन अकरिंग एट हाउ मेनी काइरल सेंटर ओनली वन मतलब दूसरे पर नहीं होगा तो जिस पर नहीं होगा उसका प्रोडक्ट में कॉन्फिगरेशन चेंज रहेगा या रिटेन रहेगा सर रिटेन रहेगा राइट। तो सर एक एग्जांपल एक केस लेने का सिचुएशन क्या है तो भाई मुझे स्टूडेंट लोग से थोड़ा डर लगता है यहाँ पर सिखा दिया कि रिएक्शन किसी काइरल सेंटर पे हो रहा है तो प्रोडक्ट एसिटोन दो बनेगा और दोनों एनसीओमर तो हो सकता है दिमाग में ही बैठ जाए बाकी सोचना छोड़ दें रट जाए तो उस डर से मैंने ये केस बनाया CH3 DCH3H Cl यहाँ देखिएगा C2H5H H2O Ag+ मतलब मैं SN1 की तरफ आपको भेज रहा हूँ ओके। नाउ यू कैन डिसाइड कि लिविंग ग्रुप कौन हो सकता है Cl ही एक नजर आ रहा है राइट इसका मतलब रिएक्शन यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप है नहीं है तो रिएक्शन इसी पे होना है दो का ये भी कायरल है ये भी कायरल है बट रिएक्शन सिर्फ इस पे होना है और कौन सा SN1 तो इस पे फ्रंट रिटेंशन भी रहेगा और इन्वर्सन भी रहेगा इज इट राइट। बट इसमें क्या रहेगा सर इसमें 0 सन्नाटा है कुछ नहीं रहेगा जैसा है वैसा रहेगा राइट ये इसका जैसा कॉन्फिगरेशन है वैसा ही प्रोडक्ट में नजर आएगा तो एक तो प्रोडक्ट ए बनेगा
चलिए, हाउ मेनी नंबर प्रोडक्ट? दो। बट ये दोनों में क्या रिलेशन? यस सर, इनेंसियोमर अब नहीं है क्योंकि मिरर इमेज नहीं है, राइट? इस पे तो उल्टा कॉन्फ़िगरेशन है, बट इस पे जैसा था वैसा ही रह गया। क्यों जैसा था वैसा रह गया? क्योंकि इस पे रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। एग्री? तो यहाँ पे बोथ आर व्हाट? डाइस्ट्यूमर। इसका मतलब इस भ्रम से तो बाहर निकल गए कि किसी कायरल सेंटर पर रिएक्शन होता है उस पर एसन वन होगा, तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज इनेंसियोमर बने, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। मतलब वहाँ पर रुक कर हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे। एग्री? अब यहाँ पे एफडी कीजिएगा तो क्या होगा सर? टू कंपोनेंट में नजर आएगा, राइट? टू कंपोनेंट क्यों नजर आएगा जी? तो सर डाइस्टोमर का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, तो ये अलग कंटेनर में अलग बॉइलिंग पॉइंट पे वेपराइज करेगा, कंडेंस करके रखेंगे, ये अलग बॉइलिंग पॉइंट पे वेपराइज होगा और कंडेंस करके रखेंगे, ठीक है ना? तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइस्टोमर? ये कार्बन, राइट? इसके वजह से डाइस्टोमर हो गया। इसको हटाए? नहीं था कि रिएक्शन है बड़ा है सर। स्टीरियो केमिस्ट्री आने से प्रॉब्लम पे में चार चांद लग जाता है। दो हम लोग की कहावत है, एक चांद दो चांद चार चांद, राइट? मतलब बहुत बढ़िया डिप्थ हो जाता है। नहीं यहाँ तक चाहिए स्टूडेंट, क्वेश्चन बैंक आईआईटी का बनाइएगा ना। अगर इतना तो एफर्ट नहीं लगाते तो फिर मैं आपके साथ क्वेश्चन बैंक डिस्कस नहीं कर पाता, बच कर निकलने की कोशिश करता। इतना तक थ्योरी पढ़ाए रहेंगे तो फिर मैं आप पे डोमिनेंट करूँगा। अगर मैं नहीं पढ़ाऊँगा तो आप मुझे डोमिनेट, सर कैसे होगा, राइट? और मैं मेरा डांटने का राइट कब बनेगा? जब पढ़ा दिया आप नहीं याद किए हुए हैं। एग्री? अदरवाइज जो चीज़ पढ़ाए नहीं उसमें क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे, कोई टीचर कैसे बच कर निकलता है मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे कोई भी टीचर हैं, आज सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका है। जैसे एक हाँ कहीं कोई स्टूडेंट बोलता है सर वहाँ पे तो इंस्टीट्यूट में कवर हो गया सिलेबस, ठीक है, ऑर्गेनिक मान पूरा कवर हो गया, जाके पूछिए हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन कितना होता है ब्रिज हेड वाला कार्बन का, या किसी भी चीज़ का, या कैसे होता है, कैसे स्टेबलाइज करेगा। और वहाँ तक सब कुछ जान रहे हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो नामी गिरामी हैं, और बता पाते हैं मतलब सच में कवर हो गया। बट ये पॉसिबल ही नहीं है कि भाई मई में शुरू करके और ऑर्गेनिक दिसंबर भी नहीं आया है, अब बोल रहा है कि पूरा ऑर्गेनिक कवर कर दिए। इज इट पॉसिबल? मुझे तो नहीं लगता है, पढ़ाने में टाइम लगता है। मैं भी पिछले 10 साल से सिलेबस को ख़त्म करता हूँ, पढ़ाता हूँ। इट टेक्स टाइम। इलेक्ट्रोस्टेट चार क्लास ख़त्म कर सकता है, कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टेट में इतना क्लास में लिया हूँ, कैपेसिटर भी चार क्लास में खत्म कर सकता हूँ। और कैपेसिटर में एक दिन में बस थोड़ा सा डायलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट दिया हूँ, राइट, कल के क्लास में। अब कैसे आप पढ़ाना चाहते हैं इट डिपेंड्स करता है आप पे कि आप कैसे ख़त्म करना चाहते हैं चीज़ों को। अब मेरा थीम है कि डायलेक्ट्रिक अगर स्लैब शुरू किए हैं तो हम जीरो लेवल से स्टार्ट करके वहाँ तक चलेंगे जहाँ तक कि हर लेवल का क्वेश्चन एटलीस्ट HCB तक पहुँच के उससे ऊपर तक पहुँच जाए, कहीं भी हो तो सोच सकें क्वेश्चन बैंक तक जा सकें। SN2 एक्वस क्यूएच रिएक्शन तो सिर्फ इसमें होगा। हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट? वो भी ओनली रिटेंशन का, राइट? तो इस पे से सिर्फ बैक साइड अटैक होगा। यस, और इन्वर्सर भी सिर्फ इस सेंटर पे। यस, और प्रोडक्ट तो रहेगा, एक ही रहेगा ना, ओनली वन प्रोडक्ट। अब एक केस हम लोग लेते हैं एवरीवन, कायरल सेंटर यहाँ तक ही मैक्सिमम आपसे आएगा, पूछा जाएगा, ठीक है। SN1 SN2 तक मैक्सिमम, ये भी मच मोर हो जाएगा। देखिए कायरल सेंटर 2 एंड रिएक्शन अकरिंग एट बोथ कायरल सेंटर, रिएक्शन अकरिंग एट बोथ कायरल सेंटर। आज के क्लास का या रिएक्शन मैकेनिज्म का दिस इज द कह सकते हैं लास्ट पार्ट। बोथ कायरल सेंटर,
तो यहाँ देखिए दोनों कायरल सेंटर पे अगर रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट में अब दो पॉजिटिव आ जाएगा, बोलिए कौन सा? सर कायरल सेंटर प्रोडक्ट में सिमिलर भी हो सकता है और डिसिमिलर भी हो सकता है, एग्री? सिमिलर भी हो सकता है और डिसिमिलर भी हो सकता है, वन बाय वन उस टाइप का माहौल बनाते हैं CH3 Cl Cl D D C2H5 H2O Ag+, और मैंने बोल दिया यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया है ना कि रिएक्शन अकरिंग एट बोथ सेंटर, राइट? स्टूडेंट देखिए तो इस पर क्या होगा सर, इस पर इन्वर्सन भी होगा रिटेंशन भी होगा, इस पर क्या होगा? बोलिए बोलिए। तो इन्वर्सन भी होगा रिटेंशन भी होगा, इस पर भी इन्वर्सन रिटेंशन, तो दोनों को मिलाकर कितना बात हो जाएगा? इन्वर्सन इन्वर्सन रिटेंशन रिटेंशन इन्वर्सन रिटेंशन रिटेंशन इन्वर्सन, चार पॉजिटिव हो गया ना। इस पे भी दोनों हो सकता है फ्रंट साइड बैक साइड, इस पे भी दोनों हो सकता है फ्रंट साइड बैक साइड, इस फ्रंट साइड बैक साइड मिलाकर दोनों सेंटर को मिलाकर कितना पॉजिटिव आपके हाथ में आ गया? चार पॉजिटिव। तो यस कितना प्रोडक्ट फिर बन सकता है? OH DCH3 राइट, डी OH C2H5 एक किसका प्रोडक्ट है सर? रिटेंशन और रिटेंशन का, राइट? प्लस OH DCH3 OH DC2H5 एक किसका प्रोडक्ट? इन्वर्सन एंड इन्वर्सन का, राइट? अब क्या हो सकता है सर, इस पे रिटेंशन कर दीजिए, करेक्ट? इस पे इन्वर्सन कर दीजिए, एक इसका प्रोडक्ट है रिटेंशन एंड इन्वर्सन का, और एक क्या लास्ट में बचा? इस पे इन्वर्सन और इस पे रिटेंशन, एग्री ना? और कोई चांस था? और दोनों कायरल सेंटर सिमिलर है डिसिमिलर है? डिसिमिलर है, राइट? तो एक दो कायरल सेंटर है, दोनों पेशन वन हो रहा है, अब प्रोडक्ट में जो कायरल सेंटर मिल रहा है वो डिसिमिलर है, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू 4, इज इट राइट? करेक्ट ना? इसका FD करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि सर रिटेंशन रिटेंशन और इन्वर्सन इन्वर्सन वाला आपस में मिरर इमेज दिखेगा? DL पे रहेगा, रिटेंशन रिटेंशन और इन्वर्सन इन्वर्सन आपस में क्या प्रोडक्ट में दिखेगा? DL पेयर, और रिटेंशन इन्वर्सन इन्वर्सन रिटेंशन वो भी आपस में क्या रहेगा? DL पेयर। तो ये दोनों DL पेयर, ये दोनों DL पेयर सेम टाइप ऑफ DL पेयर या अलग अलग टाइप ऑफ DL पेयर? तो इस यस इसका इसके साथ क्या रिलेशन सर? डाइस्टीरियोमर का, राइट? तो यहाँ पे जब फ्रैक्शनल डिस्लेशन करेंगे तो हाउ मेनी कंपोनेंट वी गेट, ए वाला अलग कंटेनर जाएगा, राइट? आई ए वाला शहबाज ज्वाइन किए हुए हैं, ये अलग कंटेनर जाएगा, करेक्ट ना? ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? तो जब जो किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो अब मेरे प्रॉब्लम का आंसर दीजिए। एक्वस KOH और मैं मेंशन कर दिया रिएक्शन दोनों सेंटर पे होना है और SN2 नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा? अब पूछते हैं बिजली की तरह कौनना चाहिए दिमाग में, ऐसा नहीं कि लेकर बैठे हुए हैं। चार चांस था, रिटेंशन रिटेंशन इन्वर्सन इन्वर्सन रिटेंशन इन्वर्सन इन्वर्सन रिटेंशन, चारों में से सिर्फ एक ही चांस बचता है, इस पे भी इन्वर्सन ऐसे भी इन्वर्सन, तो सिर्फ यही वाला तो प्रोडक्ट बनेगा, और कोई प्रोडक्ट का चांस है? नहीं है। तो कितना प्रोडक्ट ऐसे हो, देखिए बच्चे जो बाकी बैच में, जैसे आप लोग बहुत अच्छा आंसर दिए, मैं इस बात का अप्रिशिएट कर रहा हूँ, बाकी बैच में क्या करते थे? दो आंसर देते थे, दो प्रोडक्ट, इस पे भी इन्वर्सन इस पे भी इन्वर्सन, भाई दोनों को मिलाकर एक साथ सोचना था, राइट? तो सिर्फ ओनली वन प्रोडक्ट बनेगा, और दोनों वो प्रोडक्ट किसका रहेगा?
सर इन्वर्सन इन्वर्सन का राइट, इन्वर्सन का मैं दो बार इन्वर्सन लिखता हूँ, इसको बात मतलब समझते हैं, इस सेंटर को दोनों को राइट, ओनली वन प्रोडक्ट फाइव मिनट लेफ्ट, एक और एग्जांपल लेना है, ऐसे एक आध एग्जांपल छूट जाएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में रिएक्शन पढ़ने से पहले 10 मिनट हाफ एन आवर पढ़ाएंगे कि और भी कहीं पे कुछ छूटा हुआ था, कहाँ पे छूटा हुआ था, कुछ बोले थे कि हाँ 10 मिनट के लिए छूटा हुआ है, यस आइसोमरिज्म का, तो हाफ एन आवर में इसका थोड़ा सा पार्ट आ रहा है आइसोमरिज्म का, कंबसन हीट ऑफ कंबसन और पढ़ा रहे थे ना आप लोग ओल्ड बैच को, न्यू बैच के स्टूडेंट इतना तक तो अभी आपको समझ में आ रहा है, बस अब समझ में आ गया कि मेरा मजबूरी था आइसोमरिज्म आपको यहाँ तक पढ़ाने का, बाकी आइसोमरिज्म बाद में पढ़ेंगे आफ्टर टर्म फर्स्ट, ओके इतना बात कर पाते हैं विदाउट आइसोमरिज्म, चांस था ऊपर ऊपर निकल जाता, सवाल ही नहीं था, ये हो गया आईआईटी लेवल का डिस्कशन, सब लोग प्रोडक्ट बनाइए और नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताइए, और रिएक्शन और लिख लीजिए रिएक्शन अकरिंग एट बोथ कायरल सेंटर, ये मेंशन कर रहा हूं, अब उसमें आपको आगे चल के बताएंगे कि रिएक्शन जब दोनों कायरल सेंटर पर होता है तो एक ही बार दो कटायन नहीं बनता है मॉलिक्यूल में, एट ए टाइम दो कार्बोकैटायन नहीं बनाएंगे, वन बाय वन होगा, ठीक है, यस लेकिन इससे पहले तो चार हुआ था, यहाँ पे तीन क्यों हुआ सर, प्रोडक्ट में जो कायरल सेंटर दो मिला वो सिमिलर मिल गया, पॉसिबिलिटी तो अभी भी चार ही था, रिटेंशन रिटेंशन इन्वर्सन रिटेंशन, रिटेंशन इन्वर्सन इन्वर्सन रिटेंशन राइट, बट दो आपस में सेम दिख गया करेक्ट ना, ओ एच ओ एच सी एच थ्री डी आर ओ एच ओ एच सी एच थ्री डी और डी, सर ये आपस में मेजो हो जाएगा, क्या लगता है आप लोग को, OH OH CH3 D D plus OH CH3 OH CH3 D D ये आपस में क्या रहेगा D pair, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू 3, एक्टिव कितना 2, इनएक्टिव कितना, जो मेजर है वही इनएक्टिव है राइट, अब इससे जो इसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो रिएक्शन का क्वेश्चन नहीं है, वो आइसोमरिज्म का वाला पार्ट का है राइट, और अगर SN2 होते रहता तो लाइक एक्वस के लेते हैं तब कितना प्रोडक्ट, सर एक ही बनेगा राइट, दोनों पे इन्वर्सन ही रहेगा, OH OH CH3 D एंड D ओनली वन, तो देखिए कायरल सेंटर दो दोनों पर रिएक्शन हो रहा है, इससे ज़्यादा चांस है पॉसिबिलिटी का SN1 SN2 मिलाकर,
तो आज का क्लास इतना ही है एवरीवन। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे याद दिलाइएगा कि सर 10 मिनट आपने बोला था कि रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले एक दो एग्जांपल और बचा हुआ है, और उस एग्जांपल का नाम है कि टू कॉन्जिक्यूटिव रिटेंशन इन्वर्सन, कुछ ऐसा एग्जांपल आप लेने वाले थे, तो वो एक आध दो दिखा दीजिए, ठीक है। अब फिर स्टार्ट करेंगे रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब आप मेरी तरफ से ऑफिशियली रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास से। ओके, थैंक यू।